देखिए ऐसा है कि कर्नाटक के नतीजे के बाद पहले दिन से धर्म के पालन पे सवाल खड़ा हो गया। अल्पमत की सरकार को शपथ दिलाई गई, फिर प्रयास किया गया कि विधायकों को तोड़ा जाए, बहुमत नहीं जीत पाए, येडियुरप्पा ने इस्तीफा दे दिया। लोकसभा के चुनाव से पहले भी विधायकों को मुंबई में लाकर रखा गया था। बीजेपी के महाराष्ट्र के जो मिनिस्टर थे वो दावा कर रहे थे जल्द सरकार गिरेगी, और फिर वही परिस्थिति कई दिनों से कर्नाटक की और मुंबई में उसी होटल में लोग रुके हैं। सवाल ये है जो आपने पूछा कि राज्यपाल महोदय ने आदेश देने के बावजूद स्पीकर ने एडजर्न कर दिया, आज क्यों नहीं कराया? विश्वास मत पे बहस हो रही है। जो भी विधानसभाएं चलती हैं वो अपने नियमावली से चलती है। अगर कोई नियम स्पष्ट नहीं है तो जो पार्लियामेंट में कार्रवाई हुई है इससे पहले उसे प्रेसिडेंट मान के वो सारी कार्रवाई उस ढंग से चलाई जाती है। हमें लगता है इससे पहले भी विश्वास मत का प्रस्ताव कई असेंबलियों में, पार्लियामेंट में एक दिन में चर्चा नहीं खत्म हुई, दो दो दिन चर्चा हुई है, और उसके बाद या तो मतदान हुआ, सरकार रही गई ये सवाल नहीं है, या इस्तीफा दे दिया प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्रियों ने। ये स्पीकर का अधिकार है, वो कल भी इस विषय को आज एडजर्न करके कल ले सकते हैं, और राज्यपाल महोदय भी अपने अधिकारों का उल्लंघन पहले से करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आज भी उन्होंने वो खत लिखकर ये दिखाया है कि मैं जो असेंबली या स्पीकर के अधिकार है उससे बड़ा हूं। और हमें लगता है ये परिस्थिति जो निर्माण हो रही है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है।